मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। आप देख रहे हैं नंबर वन प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। नमस्कार, जनता मांगे जवाब के साथ मैं हूं दीपेश। देश भर में विजय रथ लेकर चल रही बीजेपी को 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले एक चौंका देने वाला झटका लगा, क्योंकि लोकसभा की तीनों सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवारों की हार हो गई। इन तीन सीटों में बिहार के अररिया को छोड़ दें तो राजनीति की प्रयोगशाला कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उसे ये तमगा क्यों मिला है। जी हां, यहां सपा और बसपा के अकल्पनीय मायाजाल में योगी, मोदी और शाह ऐसे उलझे कि अपने ही गढ़ गंवा बैठे। एक सीट मुख्यमंत्री ने छोड़ी थी तो दूसरी उप मुख्यमंत्री ने। राजनीति में इससे बुरी हार कुछ नहीं हो सकती। इन नतीजों ने बीजेपी की पूर्वोत्तर में मिली जीत को काफूर कर दिया और बीजेपी को भयानक सदमा दिया है। बात सिर्फ चुनाव में मिली हार की नहीं है, बात यह भी नहीं कि बीजेपी का गढ़ गोरखपुर भी उसके हाथ से निकल गया। बात यह है कि इस हार जीत ने राजनीति के नए समीकरण गढ़ दिए हैं और यूपी में बुआ भतीजे को एक साथ ला दिया। इन नतीजों ने साबित कर दिया कि एकता में बड़ी शक्ति होती है और जो मिलकर किसी भी लहर का सामना कर सकते हैं। हालांकि कांग्रेस के लिए कोई खुशी की बात नहीं क्योंकि उसके प्रत्याशी भी यहां हारे, लेकिन बाकी राज्यों में बीजेपी के विजय रथ को रोकने का फॉर्मूला लगता है कि विपक्ष को मिल गया है। अब के तमाम विपक्षी दल मिलकर एक बार फिर बीजेपी के खिलाफ एकजुट होंगे। क्या कांग्रेस मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बसपा के साथ हाथ मिला सकती है और क्या वोटों का ध्रुवीकरण रुकने से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ेंगी? ऐसे में आज चर्चा गठबंधन के गणित के इसी मुद्दे पर। आप देख रहे हैं नंबर वन प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दलित और आदिवासी वोट बैंक बड़ी संख्या में है, जिस पर कांग्रेस और बसपा अपना अधिकार जमाते रहे। बसपा ने 1991 में रीवा से खाता खोला था, तब भीम सिंह पटेल ने कांग्रेस और भाजपा के उम्मीदवारों को शिकस्त देकर लोकसभा चुनाव जीता। फिर सतना में भी बसपा ने साल 1996 के लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करते हुए पार्टी के सदस्यों की संख्या 2 तक पहुंचा दी। रीवा से बुद्धसेन पटेल ने जीत दर्ज की, सतना से सुखलाल कुशवाहा ने हाथी गति को आगे बढ़ाने का काम किया। इसके बाद देवराज पटेल ने फिर रीवा में जीत दर्ज की, यानी बसपा का मध्य प्रदेश में अच्छा वोट बैंक रहा, कई विधायक भी जीतते हैं। ताजा हालातों के बाद कांग्रेस ऐसे में अब बसपा से हाथ मिला सकती है। छत्तीसगढ़ में साल 2008 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने एनसीपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, हालांकि इस गठबंधन का कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन अब वहां भी कांग्रेस और बसपा की ओर से दोस्ती के संकेत मिल रहे हैं। बसपा का लगभग 4.5% वोट कई सीटों पर हार जीत का समीकरण बिगाड़ने का मादा रखता है। आप देख रहे हैं नंबर वन प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। तो 23 साल बाद एक साथ आई सपा बसपा ने 26 साल बाद गोरखपुर में भाजपा का वर्चस्व तोड़ दिया। वहीं महज 3 साल में ही फूलपुर लोकसभा की सीट भाजपा से वापस छीन ली। इन नतीजों ने भाजपा को खतरे के संकेत दिए हैं, तो विपक्ष के लिए महागठबंधन की जमीन तैयार कर दी है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 15 साल से वनवास झेल रही कांग्रेस को अब किसी से भी गठबंधन से गुरेज नहीं है, तो क्या गठबंधन का ये गणित बीजेपी का गणित बिगाड़ पाएगा? क्या कांग्रेस को है गठबंधन की दरकार? क्या गठबंधन ही है एकमात्र कांग्रेस का सहारा? बड़ा सवाल, क्या 2018 में बसपा के हाथ में होगी सत्ता की कुंजी? सपा ने केंद्र और उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा को करारा झटका देते हुए गोरखपुर और फूलपुर लोकसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में जीत हासिल की है। बसपा के साथ हुआ तालमेल और राष्ट्रीय लोकदल, निषाद पार्टी तथा पीस पार्टी समेत कई दलों से मिला समर्थन सपा के लिए फायदे का सौदा साबित हुआ। वहीं दोनों सीटों पर कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई। इन परिणामों ने भाजपा को एक गठजोड़ के विरुद्ध नए सिरे से रणनीति बनाने पर मजबूर कर दिया है। वहीं कांग्रेस को भी नए सिरे से सोचने को मजबूर कर दिया है।
कि उन्हें गठबंधन के साथ जाना चाहिए या फिर अकेले चुनाव लड़ने के लिए नए तरीके से रणनीति तैयार करनी होगी, या फिर ये कहें कि भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस अपने सबसे बड़े संकट के दौर से गुजर रही है। इसके पहले जब भी कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई तो उसकी वापसी पर किसी को संदेह नहीं हुआ, लेकिन आज कांग्रेस की वापसी को लेकर कांग्रेस के नेता खुद ही संदेह जता रहे हैं। कांग्रेस का मुकाबला सिर्फ भाजपा से ही नहीं बल्कि अन्य पार्टियों से भी है, चाहे मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़, दोनों ही राज्यों में कांग्रेस के पास बरसों से मजबूत नेतृत्व की कमी है। दोनों ही राज्यों में बार बार नए चेहरों को पार्टी की कमान सौंपी गई, लेकिन कोई भी प्रदेश अध्यक्ष पार्टी की नैया को पार नहीं लगा पाया। 2014 लोकसभा चुनाव के बाद 11 राज्यों में 19 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव हुए, इनमें 8 सीटें भाजपा के पास थी, लेकिन भाजपा सिर्फ 2 सीट ही बरकरार रख सकी, 6 सीटों पर उसे हार मिली। भाजपा सिर्फ बड़ोदरा और शहडोल सीट पर ही जीत पाई। 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को 282 सीटें मिली थी, अब उसके पास 274 ही रह गई। मध्य प्रदेश विधानसभा की कुल 230 सीटों में से सत्ताधारी दल भाजपा के पास 166 सीटें हैं, जबकि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के पास 55 सीटें हैं, तो दलित वोटों पर टिकी बहुजन समाज पार्टी के पास महज 4 सीटें हैं। तो वहीं पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ विधानसभा के चुनाव परिणामों पर नजर डालें तो बीजेपी ने 49 सीटें हासिल की थी, कांग्रेस ने 39, तो वहीं बहुजन समाज पार्टी के कब्जे में 1 सीट आई थी। इसके अलावा किसी क्षेत्रीय दल की बात करें तो किसी का खाता भी नहीं खुल सका था। विपक्ष के खेमे में उपचुनावों के नतीजों का उत्साह समझ आ सकता है। कई बार भारत की राजनीति उपचुनावों से ही आने वाले बदलाव का संकेत दे चुकी है, मगर कई बार इसका सारा संदेश अगले चुनाव में लापता हो जाता है। बात करें मध्य प्रदेश में मिशन 2018 की, तो बसपा यहाँ भाजपा के लिए सिर का दर्द बनी हुई है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी की डूबती नैया को पार लगाने के लिए हाथी की सवारी कांग्रेस को सहारा जरूर दे सकती है। वहीं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और वाम संगठन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी CPI और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी CPM भी हर विधानसभा चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं। साल 2008 में कांग्रेस ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, जिसमें NCP का पत्ता पूरी तरीके से साफ हो गया था, लेकिन भाजपा अपने प्रदर्शन को बेहतर करते हुए कांग्रेस को गड्ढे में उतारने की कोशिश एक बार फिर करना चाहेगी। उधर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी दोनों का खेल बिगाड़ने के लिए अजीत जोगी की पार्टी के साथ आम आदमी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी भी वहां पर पूरे दमखम से चुनाव लड़ने के मूड में है। अब देखना दिलचस्प होगा कि दूसरों के सहारे की आदी होती जा रही कांग्रेस क्या मिशन 2018 में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी गठबंधन के सहारे पार्टी की साख बचाने का प्रयास करेगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या यूपी की गठबंधन की संजीवनी क्या मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी को मात देने के लिए विपक्षी दल एकजुट होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो जब यूपी में अखिलेश का माया जाल नहीं भेद पाए बीजेपी सरकार, सत्ता में वापसी के लिए कांग्रेस को पड़े गठबंधन की दरकार और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ भी राजनीति की प्रयोगशाला बनने को हो तैयार, तो सवाल उठते हैं। यूपी में विपक्षियों के गठबंधन को मिली जीत से मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सियासत पर कितना पड़ेगा असर? क्या मध्य प्रदेश में मिशन 2018 के लिए एक साथ आ पाएगा विपक्ष? क्या गठबंधन होने पर कांग्रेस के पक्ष में PSP करवा पाएगी वोटों का ध्रुवीकरण? तो चलिए इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान स्टूडियो मौजूद हैं। हमारे साथ हैं बीजेपी की ओर से विधायक RD प्रजापति जी। प्रजापति जी, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं हरदीप सिंह डंग, कांग्रेस विधायक। डंग साहब, आपका स्वागत है। कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे हिमांशु द्विवेदी जी, और हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार और स्वराज एक्सप्रेस के मैनेजिंग एडिटर RP श्रीवास्तव जी। आपका भी स्वागत है सर। सबसे पहले श्रीवास्तव सर, आप ही के पास आना चाहूंगा। जब ये नतीजों नहीं आए थे, वोटिंग नहीं हुई थी, उसके पहले हमने आपसे चर्चा की थी ऑफ द रिकॉर्ड, और आपने कहा था लगभग यही जो कल नतीजे आए यूपी में लोकसभा उपचुनाव के, आपने उसका पहले ऐलान कर दिया था, लेकिन कब लगा आपको, प्रत्याशियों के ऐलान के बाद या किस तरह आपने आकलन किया कि ये नतीजा हो सकता है? देखिए दीपेश, जिस समय आपसे हमारी बात हो रही थी, एक तो पहला जो कैंडिडेट जो निषाद पार्टी से थे वो, उसको सपा मिलाया,
और निषाद पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं और एक दो बार तो उन्होंने योगी जी को काफ़ी चुनौती भी दिया था। बड़ी सफाई से समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया, बसपा अपना कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा किया, पीस पार्टी ने समर्थन कर दिया और भी छोटी बड़े दलों ने समर्थन किया समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी। मैं आपको बता भी रहा था, मैंने एक इंटरनल सर्वे इसके बाद कराया, मुझे गोरखपुर से फ़ोन आया कि इस तरह से है, और मैंने कहा देखो कैंडिडेट जिस तरह से उतारा है विपक्षी दल ने, वहाँ के जातीय समीकरण काफ़ी प्रभावित करेंगे, यद्यपि कि वो पिछले कई सालों से भारतीय जनता पार्टी और खास करके जो महंत की सीट है, गोरखनाथ की पीठ की सीट कहिए उसको, आप देखते होंगे कि आज़ादी के बाद भी हिंदू महासभा से एक अकेली सीट जीत के जाती थी, तो वहाँ लोगों की मठ के प्रति आस्था बहुत है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब जातीय समीकरण, और पिछले चुनाव में आपने देखा होगा जब वहाँ पर शुरू हो गए, तो इसके बाद हमें ये लगने लगा, कयास हमने लगाया, और वहाँ पर जो भी जितने भी विधानसभा क्षेत्र थे उस लोकसभा क्षेत्र में वहाँ के लोगों ने, चूंकि मैं उत्तर प्रदेश के काफी करीब से देखा, आपने देखा भी है, और आज की डेट में जितने भी हमारे रिपोर्टर हैं वो काफी हमसे ही क्लोज हैं, तो मैंने एक छोटा इंटरनल सर्वे करवाया और तभी ये लगने लगा था। हमको ये लगता है कि अभी जो मार्जिन है वो बहुत कम है, मैं आपको बताऊंगा इसलिए कम है कि सत्ता के दबाव में बहुत सारे गाँवों में मुझे जो सूचना मिली थी वहाँ पर वोटिंग कम हुई है, उसके पीछे रीजन भी है कि जो अन्य वोट पड़ने वाले थे, ये मार्जिन बहुत बड़ी होती है, अच्छा। लेकिन जो वोट पड़ने वाले थे साथ बहुत सारे वोट रुक गए। तो मैंने जो आपको बताया था निषाद पार्टी के जो उस समाज के लोग लगभग 3.5 लाख, दो से सवा दो लाख जो है मुस्लिम है, और इसके बाद जो है यादव वोट बैंक है, और फिर बसपा के समर्थन के बाद ये पूरा तय हो गया था कि वहां से किसी भी हालत में, बहुत सारा जोर लगाया योगी जी ने, लेकिन हमें पहले से भी लग रहा था, और अभी मैं जब लखनऊ में था जिस दिन वोटिंग पड़ रही थी उस दिन भी हमारे चैनल हेड एसपी त्रिपाठी जी से चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने बोला कि आपका ये जो आकलन, हमने कहा देखिए ये परिणाम बहुत चौंकाने वाले होंगे, न केवल यहाँ ही बल्कि फूलपुर में भी मैंने ये बताया था। तो आप ये देखिए कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से दो बड़े क्षेत्रीय दल सपा और बसपा, पिछला चुनाव भी आपने देखा होगा, इन्हीं के बीच कांटे की टक्कर होती थी, लेकिन जिस तरह का ध्रुवीकरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक तरफा हुआ था और उसके चलते इतनी सीटें आई, वोट का परसेंटेज अगर आप देखेंगे तो कोई बहुत ज्यादा नहीं है, अगर दोनों को मिला दिया जाए तो पीछे ही हैं, लेकिन क्या वो दोनों पार्टियां अलग अलग लड़ रही थी। तो ये मैंने आपको इसलिए बताया कि आने वाले चुनाव में अगर ये गठजोड़ उत्तर प्रदेश में इसी तरह का रहा तो एक तो यह भारतीय जनता पार्टी के लिए राह आसान नहीं होगी, क्योंकि वो बात करें सोशल जस्टिस की, नॉट इवन उत्तर प्रदेश बल्कि बिहार में भी आप देखिए उसी दम पर अभी जो रिजल्ट आए हैं, मतलब लालू यादव की पार्टी बहुत ही संकट में है जिसके नेता ही जेल में है, लेकिन उसके बाद भी जनाधार उनका किस कदर बढ़ा हुआ है, तो ये सिर्फ सोशल जस्टिस का जो एक फार्मूला पिछले सालों में था वो वही काम कर रहा है। और जहां तक मध्य प्रदेश का सवाल है, मध्य प्रदेश में क्या किस तरह का गठबंधन होगा तो हमारे साथी विधायक गण बताएंगे, बट एक चीज पक्की है कि उत्तर प्रदेश में जातीय समीकरण जैसे गुजरात से जो शुरू हुआ था वो उत्तर प्रदेश तक में पहले से था और मजबूत हुआ, बिल्कुल हावी हो चुका यूं कह सकते एक तरीके से। और हालांकि मैं एक राउंड अगले राउंड में फिर आऊंगा आपके पास में, आज अखिलेश यादव ने कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने फिर एक बार ईवीएम पर ठीकरा फोड़ा कि जो हमारी हार और जो हमारी जीत है वो और बड़ी हो सकती थी और जो हार का डिफरेंस यानी बीजेपी को जो वोट मिले वो और ज्यादा हो सकता था। जी जी, प्रशासनिक जिला निर्वाचन अधिकारी पर काफी दबाव था, आपने देखा होगा कई राउंड तक जो बाहर ही नहीं आने दिया, और हमारे प्रेस के कई साथियों को मतलब घुसने रोका गया, उनको बाहर किया गया। जी जी बिल्कुल, तो ये एक चीज थी, लेकिन इसके बाद एक बड़ा सवाल आज कई मीडिया रिपोर्ट्स ये भी पूछ रहे, मैं श्रीवास्तव जी अगले दौर में आपसे पूछूंगा जरूर कि क्या ये वाकई बीजेपी हारी है या अपनों से ही हरवाई गई है और उसके पीछे क्या वजह हो सकती है। लेकिन प्रजापति जी, जो भी हुआ ये खतरनाक संकेत है, इसी साल के आखिर में मध्य प्रदेश में चुनाव होने, छत्तीसगढ़ में भी चुनाव होने, और मध्य प्रदेश में कुछ दिन पहले हमारी चर्चा हो रही थी अजय सिंह जी से, उन्होंने साफ कहा कि हमें किसी का समर्थन मिलेगा या लेने में हमें कोई गुरेज नहीं है। मैंने बसपा का ही पूछा था उनसे सीधे सीधे, उन्होंने कहा हमें कोई दिक्कत नहीं अगर वो आएंगे तो। ये आपके लिए क्या नहीं लगता कि अगर गोरखपुर जो गढ़ था बीजेपी का अगर वो ढह सकता है, वो किला आपका ढह सकता है, तो फिर यहां तो बहुत कुछ हो सकता है। देखिए दीपेश जी, उत्तर प्रदेश में
जो दो सीटें हम लोग हारे उसमें मुझे जो समझ में आया है ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस कि हमारी सरकार पूर्ण बहुमत की है और हमारे कार्यकर्ता इतने ओवर कॉन्फिडेंस में थे कि ये सरकार, ये जो हमारी सीट है ये हमेशा की सीट है और माननीय मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की सीट है, ये तो हारेंगे ही नहीं। इस तरह से उन्होंने बहुत हल्के में लिया मेरा व्यक्तिगत जो मेरा आंकड़ा है। नहीं, किसने लिया, योगी जी ने लिया या संगठन ने या केंद्रीय संगठन ने? कार्यकर्ताओं ने। अच्छा, कोई मतलब नहीं कार्यकर्ता। देखिए ये जो सीटें लोकसभा और विधानसभा की, जो लोकसभा की सीटें जिताते वो कार्यकर्ता जिताते और कार्यकर्ता ही हमारी रीढ़ है और उन्होंने ओवर कॉन्फिडेंस लिया कि हमारे बहुत बड़े बड़े नेता हैं और चूंकि चुनाव पर जीत जाएंगे। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कभी भी कोई भी अपने विपक्ष को कमजोर नहीं समझना चाहिए, अगर वहीं हम समझते हैं तो वहीं गड़बड़ी होती है। और जहां तक देखो दलित समाज के बात है तो यहां उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में बड़ा अंतर है। उत्तर प्रदेश में जो बैकवर्ड है और दलित ये इकट्ठे हो सकते हैं क्योंकि इनने राज किया है, लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी दो दल हैं और कांग्रेस की स्थिति दलित इसमें यहां इसलिए नहीं आ सकते कि इनके कार्यकाल में बहुत बधुआ मजदूर थे, बहुत परेशान थे और मान लो एक भी योजना का लाभ नहीं मिलता था गरीबों को। इसलिए इस दल में जाने की तो मेरी समझ से आवश्यकता नहीं है और जाएंगे भी नहीं। मैं क्योंकि दलित समाज के साथ साथ वैगवर्ड का जो इकट्ठा होना, उत्तर प्रदेश में इकट्ठे हो जाते हैं लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा जो बैकवर्ड है वो भाई बीजेपी से जुड़ा है और जो गरीब तबका है वो हमारे यहाँ इतनी बड़ी योजनाएं आई हैं जो मध्य प्रदेश के भारत में कहीं नहीं है, जैसे आपके गरीबों को खाद्यान्न योजना। और प्रजापति जी अभी चंद दिन पहले आया दो उपचुनाव का, विधानसभा के उपचुनाव का नतीजा और वहां पर भी क्या हुआ, वो भी गरीब तबकों का क्षेत्र था, गरीब वर्ग का था, ठीक है, वहां के नतीजे क्या भूल गए आप? अगर वो सब कुछ होता तो वहां की आपको जीत नहीं मिलती, मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं मैं। देखिए क्या है कि अब 100 में 100% अपन नहीं ले सकते, नहीं ले सकते, ठीक है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन इतना कम नहीं होंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बने। नहीं होने को तो सर दिल्ली में 67 सीटें आम आदमी पार्टी जीत गई थी, वो होने को तो राजनीति और क्रिकेट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। मैं आपकी दोनों बातों से इसलिए सहमत नहीं हूं कि आज आप चुनाव हार गए यूपी में तो आप कह रहे साहब कार्यकर्ताओं के ओवर कॉन्फिडेंस में आप लोग हार गए, ये कौन सी बात हुई? अगर जीतते तो आप कहते साहब मोदी जी की जीत है, योगी जी की जीत है, उन कार्यकर्ताओं को जोश भरने की जिम्मेदारी किस पर थी? जो 1.5 लाख वोट बैंक था वहां पर, उस वर्ग से अब जो चौथे पायदान पर था वहां से आपने उपेंद्रनाथ शुक्ल को टिकट दिया, जबकि निषाद या मठ से किसी को वहां पर योगी जी की सुनी नहीं गई। अब मैं सीधे सीधे आता हूं कि योगी जी की इच्छा को दरकिनार करते हुए केंद्रीय संगठन ने वहां पर मनमानी की और शायद इसका खामियाजा आप लोगों ने भुगता है। देखिए माननीय योगी जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे जो भी नेता हैं कभी ये नहीं कहते कि इनके बदले जीत हुई, वो हमेशा कहते कार्यकर्ताओं की बदौलत हमारी जीत हुई और मतदाताओं का श्रेय देते हैं, कार्यकर्ताओं को श्रेय देते हैं। अब हम लोग भले उनको कहें ये अलग बात हुई, उनके नेतृत्व चूंकि हमारे नेता हैं उनके नेतृत्व में चुनाव लड़े हैं, लेकिन जहां तक बड़े नेताओं का सवाल है वो कभी नहीं कहते कि इनके मतलब कार्यकर्ताओं, ठीक है ना, वो अब अपने ऊपर और किसको देंगे श्रेय। लेकिन नहीं, खैर मैं आऊंगा आपके पास में, दो दर्शक हैं दुर्ग से, सेवाराम जी अपना सवाल करें। सेवाराम जी, दीपेश जी नमस्कार जी, मेरा सवाल कांग्रेस विधायक श्री हरदीप सिंह जी से है। क्या बसपा की राजनीति में, बसपा की राजनीति मध्य प्रदेश में अलग और उत्तर प्रदेश में अलग रहेगी? अभी फूलपुर और गोरखपुर में सपा और बसपा का अघोषित गठबंधन तो हो गया लेकिन उसमें कांग्रेस शामिल नहीं थी, फलस्वरूप कांग्रेस अपनी जमानत का गवाह बैठी। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या मायावती भविष्य में कांग्रेस के साथ उत्तर प्रदेश में कोई भी गठबंधन कर सकती है, जबकि कांग्रेस सबसे ज्यादा अगर कमजोर है तो वो राज्य उत्तर प्रदेश है। वैसे भी मायावती जहां कमजोर होती है वहां गठबंधन करती है लेकिन उत्तर प्रदेश में कभी भी नहीं, इस बारे में आप क्या कहेंगे सर? बिल्कुल, मैं ढंग साहब से जवाब लूंगा आपका ये प्रश्न जो बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरह उत्तर प्रदेश में मायावती जी और अपने अखिलेश यादव जी एक समझदारी के साथ साथ में आए हैं और कांग्रेस की वहां पर आप जो कह रहे हैं जो पोजीशन है
वर्तमान सब परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जो हमारे वरिष्ठ नेता जो आज आंकलन कर रहे हैं, जो आगे जो भविष्य देख रहे हैं कि अगर जो आज बीजेपी के जो नीतियां हैं उसके विरोध में एकजुट होकर विपक्ष अगर एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा तो आज अपन उनको हरा सकते हैं। तो मध्य प्रदेश में भी यह कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में बहुजन समाज पार्टी के साथ अगर कांग्रेस गठबंधन करती है तो कोई उसमें परहेज नहीं हो सकता है। और मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं ये बड़े पैमाने पर इस पर चर्चा भी चल रही है। अगर जो उत्तर प्रदेश के जो सीमावर्ती जो हमारे क्षेत्र हैं तो कहीं ना कहीं जो फर्क पड़ता है बहुजन समाज पार्टी से, अगर दो ही एक साथ आते हैं तो बीजेपी को हराने में सफल होंगे। लेकिन इसी से फिर अगर आप इस तरह के संकेत देते हैं डंग साहब तो बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, वो सवाल मैं पूछूंगा। लेकिन एक दर्शक मेरे साथ बी आर यादव साहब है भोपाल से। यादव साहब स्वागत, सवाल करें। नमस्कार सर। जी मैं प्रजापति से पूछना चाहता हूँ एक सवाल। हाँ प्रजापति जी ये बताइए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की स्थिति कब सुधरेगी सरकार जाने के बाद? दूसरा बात कोई कार्य तो बाहर के जो नए नए कार्यकर्ता आपने भर्ती कर लिया है वो पुराने कार्यकर्ताओं को तो आप पुराना कार्यकर्ता सरकार बन पाता है? ठीक, ये देखिए ये प्रजापति जी जिस तरह से नरेश अग्रवाल की आमद पर जिस तरह बवाल मचा हुआ बीजेपी के कार्यकर्ता हो नेता हो या समर्थक हो सोशल मीडिया पर खफा बैठे नाराज बैठे और वो कह रहे हैं कि आप नए नए नेताओं को दूसरी पार्टियों से ले आते हैं उनके पाप धुलवा देते हैं बीजेपी में आकर वो सब राष्ट्रभक्त हो जाते हैं, लेकिन जो असली कार्यकर्ता आपका जो सालों से आपका झंडा डंडा उठा रहा है ठीक है आप उसकी उपेक्षा कर जाते हैं? देखिए हमारे जो बुजुर्ग कार्यकर्ता वो हमारे मार्गदर्शक हैं और उनकी उपेक्षा कभी नहीं की गई ना की जाएगी। अब ये होता है कि जो हमारे माँ बाप होते हैं अगर वो काम करने में कमजोर हो जाते तो उनका मान सम्मान थोड़ी माँ बाप होता है, जो हमारे सीनियर हैं जो उन लोगों ने काम किया है वो तो आज हमारे मार्गदर्शक हैं और हमारे हम उनको बंधन अभिनंदन करते हैं और उनको कभी नहीं भूल सकते क्योंकि उनके आदर्श से ही हम आगे बढ़े हैं। आडवाणी जी और करतार सिंह जी बाबू नहीं ये हमारे आज भी चाहे अडवाणी जी हों चाहे बाबूलाल गौर जी हों चाहे सरताज सिंह जी हों उनका आज भी हमें मार्गदर्शन प्राप्त है और आज भी हमें आशीर्वाद प्राप्त है और उनका उनके अनदेखी नहीं की जाती। पूछे उनके दिल से जाके पूछे कि वास्तव में जो प्रश्न करा है भारतीय जनता पार्टी कहती क्या है और करती क्या है और मतलब कहने और करने में बहुत अंतर है और उसी के कारण आज उत्तर प्रदेश में और धीरे धीरे जितने भी चुनाव हैं आपने जैसा भी आंकड़ा बताया है 19 चुनाव में से अगर वो तीन मात्र जीती है तो मोदी जी की जो नीतियां थी वो बिल्कुल फेल हो चुकी है और जो सामाजिक समीकरण जो पता अभी श्रीवास्तव जी बोल रहे थे वो एक अपनी जगह महत्वपूर्ण है। कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की जो नीतियां थी वो कांग्रेस को जो बदनाम करके जीती थी अब कांग्रेस ने जो प्रोग्राम पहले चालू कर रखे थे खाली उनको आगे बढ़ाया है, ठीक है अपनी तरफ से कोई भी एक योजना नई नहीं लेके आए हैं इस कारण कहीं ना कहीं पब्लिक ना रहा। चलिए लेकिन प्रजापति जी अगर पूर्व मंत्री पर आप लोग इस तरह के संकेत देते कि कार्रवाई हो सकती है अनुशासनहीनता हमें लग रही है तो फिर किसका सम्मान है आप किसको मार्गदर्शक बता रहे हैं? अगर कोई आके अपनी बात कह रहा है वो कह रहे संगठन नहीं सुनता है ये एक 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 उदाहरण ऐसे कई उदाहरण मिल जाएंगे और ये तो नेता हो गए इन्होंने तो बहुत कुछ पा लिया सांसद भी रहेगा विधायक भी रहेगा सब कुछ हो गया मंत्री भी रहेगा वो उस कार्यकर्ता की बात कर रहे हैं जो आज भी झंडा झंडा उठा रहा है इस उम्मीद में बैठा कि कुछ तो मिलेगा हमको आगे लेकिन उसकी उपेक्षा की जा रही है। देखिए माननीय बाबूलाल गौर जी हैं या दंग जी सरताज जी हैं ये हमारे वरिष्ठ नेता हैं इनके बारे में मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता क्योंकि हम उनसे बहुत जूनियर हैं और बहुत ही जूनियर और उन पर कार्रवाई की आप तैयारी नहीं कर नहीं कार्रवाई बिल्कुल नहीं ऐसी हो ही नहीं सकता है और अपने बुजुर्गों पे कार्रवाई नहीं होगी और लड़का अगर गलती कर जाता है तो बाप अपने आप माफ कर देता है हमारे बुजुर्ग हैं हम माफ भी कर देंगे अगर हम कहीं गलती करते हैं क्योंकि उनके आदर्शों पे हम चल रहे हैं उनकी सिखाए नहीं। बात देखिए क्या हुआ प्रजापति जी कल के नतीजों के बाद सबने कहा कि साहब घमंड टूट गया अहम टूट गया जिस अहम में बीजेपी जी रही थी उत्तर से दक्षिण तक वो सब कल धराशायी हो गया और ये स्थितियां सब तरफ बनती नजर आ रही हैं। अगर इसी तरह से आप सबको दरकिनार करते रहेंगे सब पर कार्रवाई का खौफ दिखाएंगे तो कौन फिर इस तरह से अपनी बात रखा है? मैं एक बता देना चाहता हूँ एक चूहे को चिंदी मिल गई तो उन्हें कहा विषाद खाना खोलने चले एक चिंदी मिल जाने पर विषाद खाना नहीं खोलता है। विधानसभा की घटना में मैं आपको बताना चाहूंगा 500-800 से ज्यादा सांसद है जो भी एक प्रश्न आया था कि कार्यकर्ता दुखी हैं पढ़ने वाला मैं खुद अपने प्रजापति से बात करना चाहूंगा कि ये खुद इनके दिल पे हाथ
रख के पूछें कि इन्होंने खुद विधानसभा में यह स्वीकार करा कि मैंने 200 आवेदन दिए, इतनी शिकायत करी, और एक खनिज विभाग का अधिकारी का ट्रांसफर इनकी सत्ताधारी पार्टी नहीं कर पाई, तो इनका जो दर्द था ये पूरे सदन के सामने आया। तो एक विधायक होने के बाद अगर ये इतना दुखी हैं, तो आम कार्यकर्ता की क्या हालत होगी, क्योंकि बिना भ्रष्टाचार के कोई काम भारतीय जनता पार्टी के राज्य में नहीं हो रहा। चलिए, प्रजापति जी अपने बयानों को लेकर बड़ा सुर्खियों में रहते हैं, एक दो बयान इनको याद दिलाऊंगा मैं। एक दर्शक है फिलहाल सागर से, रमन शुक्ला जी स्वागत है, सवाल करें जी। पूछिए शुक्ला जी। हाँ पूछिए जी। मैं आरडीजी से पूछना चाहता हूँ। हाँ फिलहाल हमने देखा कि यूपी में गोरखपुर और फूलपुर सीट पर बीजेपी हार गई और मध्य प्रदेश में मुगावली और कुलारस हारी, तो यह अब भी कह सकते हैं कि देश में मोदी लहर है, क्योंकि जहां जहां बीजेपी जीतते हैं वहां यह कहते हैं कि मोदी लहर है। तो मैं प्रजापति जी से यह पूछना चाहता हूँ कि अब भी देश में मोदी लहर है? प्रजापति क्यों देखिए, मोदी जी हमारे राष्ट्रीय नेता है, और राष्ट्रीय नेता नहीं, वो विश्व के नेता आजकल माने जाते हैं। अब आप ये ना कहिए, जो उनकी ख्याति है, मेरा एक निवेदन है, हिंदुस्तान में पूरे विश्व में पहले प्रधानमंत्री हैं जो पूरे विश्व में ख्याति है, तो मोदी जी पे इतना छोटी मोटी टिप्पणी करना भी बहुत छोटा, बहुत बहुत कमजोर माना जाएगा कि ये छोटी सी चीज है। मैंने आपको पहले बताया कि विषाद खाना वाला चीज बताई, मेरा निवेदन ये है। लहर की बात कर रहे हैं, लहर कुछ नहीं, लहर देखिए मोदी जी के आज भी है, पहले भी थी, और मोदी जी जैसे हमारे नेता मैं बता रहा हूँ, पूरे आपके मध्य प्रदेश और भारत नहीं, पूरे वर्ल्ड में उनकी ख्याति है, मान लिया। लेकिन प्रजापति जी, यही तो हम सवाल है, आज का मुद्दा भी यही है कि भारी लहर थी यूपी में भी, लेकिन जहां सपा बसपा इकट्ठा हुए, देखिए ना क्या हुआ फिर नतीजा, और यही संकेत आगे दे रहे हैं, खुद डंग साहब कह रहे हैं। हालांकि डंग साहब, यहां पर पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा, अगर आपको बसपा से या दूसरे क्षेत्रीय दलों से गठबंधन करना पड़े, फिर काहे की 125 साल पुरानी पार्टी यानी कांग्रेस, जिसने एक छत्र राज किया मध्य प्रदेश में भी, है ना, छत्तीसगढ़ में चली अलग हुए जब आपकी रही 3 साल सरकार, लेकिन वहां पर आपको गठबंधन की जरूरत महसूस होने लगी। क्या कांग्रेस का कार्यकर्ता कमजोर हो गया है, कम हो गए हैं संख्या, या अब यहां भी गठबंधन यानी आप पीछे पीछे चलने को तैयार? कुछ समय ऐसा अभी वर्तमान जो पिछला गया है, मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो एक रणनीति थी वो कहीं ना कहीं आपस में लड़ाने की, झूठ बोलने की, और आपस में एक दूसरे को भ्रम पैदा करने की जो थी, उसमें कहीं ना कहीं वो सक्सेस रही है। और जातिवाद का जो जहर सबसे ज्यादा और राष्ट्रवाद का जो जहर उन्होंने घोला है, उसमें कहीं ना कहीं हद तक वो सफल रही है। पर आज धीरे धीरे पब्लिक को वास्तविकता मालूम पड़ चुकी है, जिसके कारण आज मुंगावली, कोलारस और जो अभी चुनाव है चित्रकूट में, वो जनता देख चुकी है। अब भारतीय जनता पार्टी चाहे कितना भी झूठ बोल ले या सामाजिक समीकरण के कारण एक दूसरे को लड़ा दे, मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश की जनता जो अभी रिजल्ट दे रही है, अभी झाबुआ में जो चुनाव हुए थे कांतिलाल जी भुरिया जीते थे, चित्रकूट में जीते हैं, अभी 2 सीटें हम जीते हैं। तो मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की जो नेता बोलते थे वो अब जनता धीरे धीरे समझ में आ गया है, चाहे वो विकास की बात करें, सामाजिक की बात करें। और एक बात सही कि राष्ट्रवाद की बात, अभी नरेश जी अग्रवाल जो अभी आए हैं भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, कुछ दिन पहले वो देश विरोधी थे, देशद्रोही थे, आज वो ऐसा क्या हो गया कि देशभक्त हो गए? जो इनकी जो हमें माला पहना है वो गद्दार, वो देशभक्त नहीं है, और जो उनको माला पहना दे वही आदमी पलट के वो देशभक्त हो जाता है। ऐसा इस पर इसलिए सवाल ना उठाएं कि चुनावी मौसम है, आप बीजेपी के भी हो सकता है कई नेता आपकी पार्टी में आकर के पास नहीं, बट बीजेपी में जाकर देशभक्त और कांग्रेस में आए तो गलत मानने वाले नहीं। एक बात बताओ, अगर मैं कांग्रेसी हूँ तो क्या मेरे को सिद्ध करना पड़ेगा कि मैं देशभक्त हूँ या नहीं? मैं बीजेपी में, कोई बीजेपी में जाएगा तो ही देशभक्त चलाएगा? नहीं वो बात, ये इनके पास कौन सी मशीन है, मेरे तो ये समझ नहीं आती, देशभक्त हो जाते हैं। लेकिन मैं श्रीवास्तव सर आपसे दूसरे तरीके से ये बात पूछता हूँ। देखिए एमपी में जो दोनों सीटें पर बीजेपी हारी, मार्जिन बहुत कम कर दिया, और एक तरीके से बीजेपी उसे अपनी नैतिक जीत बताती रही। यूपी में अगर क्या मठ से कोई प्रत्याशी खड़ा हो जाता तब क्या नतीजे कुछ दूसरे होते? दूसरी बात है कि जो मैं पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूं, क्या राजनीति खा गई योगी जी के कद को कम करने की कोई साजिश रची गई कि उनकी इच्छा से या मठ से कोई प्रत्याशी नहीं हुआ और ऊपर से किसी को उतार दिया गया? साफ दिख रहा था कि 1.5 लाख केवल ब्राह्मण है, वोट है, और निषाद अगर सपा की तरफ से है तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और ये क्या पहले संकेत थे ये सब तरह के? यानी मैं यूं पूछ रहा हूं कि अगर
इस तरह के हालात ना होते और ये दोनों सीटें बीजेपी चुनाव जीत जाती, तब क्या सपा और बसपा का गठबंधन काम आता या उस पर फिर सवाल नहीं खड़े होते? नहीं देखिए, ये बात तो है कि अगर ये सीट सपा बसपा गठबंधन यदि हार जाता तो सवाल तो खड़े होते, और मेरे ख्याल में जब चुनाव परिणाम आ रहे थे उसके पहले यही सवाल खड़े हो रहे थे। ये बात नहीं है, देखिए मठ से जो भी महंत रहे हैं, चाहे दिग्विजयनाथ रहे हो, वैद्यनाथ रहे हो, या फिर हमारे ये जो है योगी आदित्यनाथ है, मठ के प्रति लोगों की श्रद्धा है, लेकिन मठ से प्रायोजित कोई प्रत्याशी आए, हमको लगता है कि कुछ तो परेशानी यहाँ भी हुई होगी, वो उतनी श्रद्धा नहीं बताई होगी जनता ने। दूसरी बात यह है कि एक चुनौती तो है सपा बसपा, अभी तक योगी आदित्यनाथ जितने भी चुनाव लड़ रहे थे उसमें सपा अलग लड़ रही थी, बसपा अलग, कांग्रेस अलग, और सब पर ये भारी पड़ रहे थे। लेकिन जब ये दो ताकतें और दो क्षेत्रीय दल पिछले करीब 25 सालों तक सत्ता में काफी मतलब भारी रहे हैं, और ये तो पिछला चुनाव है जो भी ध्रुवीकरण हुआ, धर्म के नाम पर हुआ, संप्रदाय के नाम पर हुआ, जिसका भरपूर फायदा मिला, और ये दो पार्टियां अलग अलग लड़ रही थी। अब एक जो सोशल जस्टिस की बात की जा रही है, अगड़े और पिछड़े की बात हो रही है, खास करके उत्तर प्रदेश बिहार में, तो उसकी कहीं ना कहीं छाया जो है प्रतिछाया पड़ेगी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं राजस्थान में भी। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में भी दो उपचुनाव हार गई, आप यहाँ भी हार गई, बिहार में हारी, उड़ीसा में हारी, तो ये कहीं ना कहीं लगता है कि जनता कहीं ना कहीं अपना एक वो समीकरण समझ रही है, या 4 साल के इनके कार्यकाल का आकलन कर रही है, या जो वायदे किए गए उसमें कितने पूरे हुए कितने नहीं हुए, ये सारी बातें हैं उसके साथ। सर कोलकाता से कॉल है मेरे पास में, प्रकाश खेमानी जी हैं, स्वागत, सवाल करें जी। प्रकाश जी पूछिए। हाँ मैं कांग्रेस विधायक से बात करना चाहता हूँ। जी जी जी, ये जो 2-4 सीटों सीटें जीतने के बाद जो इनका जो अभी रवैया हो गया कांग्रेस बीएसपी और एसपी का, ये तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा लग रहा है। अच्छा नहीं नहीं, जो आप एक मिनट में एक और दर्शक है जयपुर से, गोपाल जी अपना सवाल करें। गोपाल जी सवाल नहीं, मैं तो एक प्रतिक्रिया बताना चाह रहा हूँ सर। जी जी हाँ बोलिए। हेलो। हाँ गोपाल जी सुन रहे हैं, बोलिए। सवाल नहीं सर, मैं तो आपको केवल ये बताना चाह रहा हूँ, ये मेरी प्रतिक्रिया है जो हाँ। आप लोग इतना डिस्कशन करते हैं और वो सब देख रहा हूँ मैं। जी जी, आपके आपको ध्यान होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के जस्ट बाद के अंदर एक फील गुड का नारा चला था बीजेपी में। ये फील गुड का नारा अपी नहीं चल करके इनको फील में ही ये डूब गए, और इनके जो सुमित पात्रा है वो ऐसी बकवास मांगवाणी बोलते हैं कि जो भगवान भी अगर सुनता है ना तो कहता है कि इस आदमी को तुरंत जगह से बाहर कर दिया। चलिए ये आपकी प्रतिक्रिया गुस्सा है जी। गोपाल जी और कुछ कहना चाह रहे हैं या कुछ सवाल या कोई नसीहत आप देना चाहेंगे? नहीं मैं तो नसीहत ये देना चाह रहा हूँ कि सर ये सब कुछ बात सही है, अपने कार्य को संभाल करके उसके ऊपर दृढ़ता से काम करें, न कि अब इधर उधर की बातों में फिल्माबाजी दे करके और पब्लिक को बेवकूफ बना। ठीक है, एक और दर्शक है दमोह से, विजय कुमार जी अपना सवाल करें। जी विजय जी पूछिए। इलेक्शन से संपर्क टूट गया। डंग साहब ये कह रहे हैं कि देखिए 2-4-5 सीटें आप लोग जीत गए, इससे कुछ नहीं होना, और मैं इसलिए कह रहा हूं कि यूपी में आपने सपा से गठबंधन करके देख लिया था क्या असर हुआ, एक बात। दूसरी बात ये कि अगर मध्य प्रदेश में आपको क्या लगता है कुछ सीटें यूपी बॉर्डर जो टच है वहां से आपको बसपा का साथ मिल सकता है, लेकिन ऐसा कोई बहुत ज्यादा वोट बैंक भी नहीं है बसपा का। हाँ ये कि कुछ निर्णायक हो सकता है जहां पर बहुत कम वोटों से हार जीत तय होती है, तो क्या सिर्फ इसीलिए आप गठबंधन के साथ जाएंगे या जाने को तैयार होंगे? फिर ऐसे में आप ब्लैकमेल नहीं होंगे कल को, और मायावती जी का रिकॉर्ड आप जानते हैं। जैसा कि पहले प्रश्न का उत्तर मैं दे दूं आपको, उन्होंने कहा 2-4 सीटें जीत गए, जब ये कांग्रेस मुक्त की बात करते हैं, हालांकि कांग्रेस तो जीती ही नहीं और कांग्रेस के नहीं नहीं अभी जैसे मध्य प्रदेश में 2-4 सीटें क्या जीत गए, अगर बीजेपी अभी हारी है और बीजेपी अभी उत्तर प्रदेश में हारी है, कांग्रेस यहाँ पर जीती है, मतलब बीजेपी कुल मिलाकर हार रही है, ठीक,
और दो चार सीटें हम क्या जीत गए, तो जब भारत से देश मुक्त की कांग्रेस से देश मुक्त कर रहे थे, मतलब मुक्त पार्टी कर रहे थे इसको, कि कांग्रेस हार रही है, तो जब आप बड़े खुश हो रहे थे, और कांग्रेस जब जीतती है तो आपको दो चार सीटें अभी स्टार्टिंग है, ये अभी चुनाव वाले हैं, विधानसभा चुनाव आ रहे हैं और लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, कांग्रेस तैयार है, और जो जो सीमावर्ती जो हमारे सीटें हैं, आप जो कह रहे हैं कि भाई ब्लैकमेलिंग होगी, मैं जानता हूँ कि जहाँ हमारे जो मित्र मिलते हैं कांग्रेस के, वो कहीं ना कहीं इस बात को जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता झूठ बोल के जो चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए एक झूठ जितने भी विपक्ष हैं एक झूठ होकर उनका सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास वर्तमान में धन बल सत्ता बल सब है, और जैसे अभी श्रीवास्तव जी ने बताया कि कई जगह तो सत्ता के डर से वोटिंग कम हुई है, तो आज पूरे भारत में जो डर का माहौल इन्होंने पैदा कर रखा है, उसका कारण सब एकजुट होना विपक्ष को जरूरी है, और ऐसी ताकतों को हराना बहुत जरूरी है। ठीक है, प्रजापति जी देखिए, जो डंग साहब कह रहे कि ये झूठ बोल के कर रहे हैं, भारत के बहुत से बड़े विद्वान हैं हमारे वोटर साथी, और हम लोग, ये कहावत होती है कुछ किसी आदमी को कुछ समय के लिए बेवकूफ बनाया जा सकता है, बहुत दिन के लिए, लेकिन मेरा 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 एक निवेदन है, पूरे भारत में ये कहीं बचे नहीं है, एक दो राज्य बचे कुछ हैं। समय के लिए बेवकूफ, एक मैदान, 15 साल से हम लोग, 15 साल बस अभी एंड, आप 15 साल से, और अभी आप 15 साल का 20 साल और जाएंगे कम से कम। देखो देखो, आप मेरी बात सुनिए, क्या है ये 125 वर्ष पुरानी पार्टी है, इसका अस्तित्व तो है नहीं है, ये नेता नेता लड़ते रहते हैं, आपस की लड़ाई रहते हैं, इनमें हजारों गुट हैं, और ये क्या है, अभी ये जो आदमी जब कहीं से नहीं मिलता है तो ये लाठी दूसरे की सहारे में चलने के लिए, जैसे बहुत आदमी बुजुर्ग हो जाता है तो दूसरे का सहारा लेकर के घूमता है, तो आप, मैं बता रहा हूँ, डंग साहब स्वयं नहीं सोचेंगे कि लाठी वाले के यहाँ जाए, स्वतंत्र रहेंगे आप दो, और हम लोग स्वतंत्र, हमारा निवेदन है सरकार, हमारा स्वतंत्र, एक गलत कदम उठाते हैं लोकतंत्र की, गलत बिल्कुल नहीं है, अगर हमें लोग चाहते हैं, हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि चाहते हैं, अभी अभी आने वाले किसी को नहीं कुछ कहा जा सकता, मध्य प्रदेश और राजस्थान और छत्तीसगढ़, कांग्रेस विहीन ही हो चुका है, कुछ बचे नहीं है देश, अब कांग्रेस, अब आप एकाध पा गए, मैंने पहले बताया कि एकाध कोई पा गया तो चिल्लाने लगा बहुत बड़ा क्या है, अरे अभी आपके अभी जो अभी आने वाले, हमारा निवेदन है, और कांग्रेस अगर यहाँ से अगर कांग्रेस का समझौता बसपा से हो गया तो मैं आपको बता रहा हूँ कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलेगा। अच्छा, क्योंकि पूरा आदमी जान गया है कि जब भी समझौता होगा तो अरबों में समझौता होगा, और तो आदमी बिकना नहीं चाहता, और ये लोग बहुत खरीदते रहे, ये अब खरीदने वाला आदमी नहीं हुआ। मेरे आप निवेदन कर रहा हूँ, अभी मुंगावली में नोट किसके पास पकड़ा गया, मुंगावली में अभी जो नोट का बसपा का समर्थन नहीं था आपको, नहीं नहीं, जिस दिन बसपा का समर्थन हो जाएगा उस दिन आप जीरो में जाएंगे, आने वाला समय आपको घबराहट क्यों हो रही है, ठीक है, मतलब ये गठबंधन पर इतनी घबराहट क्यों, हम तो आपके जवाब दे रहे हैं, आपकी जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है, इसलिए आप ऐसी बातें करना तैयार कर दिया है, माहौल बनाना तैयार, हम आप थोड़ा मध्य प्रदेश की, ठीक है ठीक है, मध्य प्रदेश की राजनीति पर आएंगे, लेकिन कुछ दर्शक हैं, लखन शर्मा जी हैं गाडरवाड़ा से, जी अपना सवाल करें लखन जी, एकदम संपर्क टूट गया है। श्रीवास्तव जी, अब मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य और छत्तीसगढ़ में भी हम बात करते हैं, दोनों जगह से संकेत मिले, छत्तीसगढ़ में भी हुआ ये कि एक दिन बीएसपी के विधायक बोले सदन में, अगर हमारे पास आया कोई अच्छा ऑफर होगा तो हम सोचेंगे, ठीक है, भूपेश बघेल जी बोले कि नहीं अभी हमारा ऐसा है नहीं, लेकिन अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष कुछ सोचेगा तो। वहां मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव में देखा कि बसपा के चारों विधायकों ने एक साथ कांग्रेस के लिए वोट दिया था, विवेक तन्खा जी को पहुंचाया था, तो क्या ये ऐसे संकेत आपको लग रहा है कि इस बार कांग्रेस नया प्रयोग कर सकती है, हालांकि जो अपना नेता नहीं तय कर पा रही, क्या वो गठबंधन के जरिए प्रदेश में चुनाव लड़ पाएगी? नहीं, देखिए दीपेश, गठबंधन का जो गणित है वो केवल कांग्रेस के ही साथ नहीं है, भाजपा के भी साथ है, तो मध्य प्रदेश में ऐसा कोई गठबंधन जब देख रहा है, बहन मायावती जो है, जिस समय उत्तर प्रदेश में पिछला चुनाव बिना गठबंधन के लड़ा उन्होंने, और काफी हाशिए पर है, तो कभी कोशिश नहीं करेंगे ऐसा कि गठबंधन ना हो, और ये जो सपा बसपा का जो गठबंधन हुआ, जो उत्तर दक्षिण का, तो आप ये मान के चलिए कि एक एक पूरे योजना के तहत हुआ है, ऐसा नहीं है कि वो
जो है अचानक हो गया, कहीं कहीं इसकी तैयारी रही होगी। तो गठबंधन तो हर पार्टियां कर रही है, भारतीय जनता पार्टी भी कई राज्यों में गठबंधन करके चुनाव लड़ रही है और कई जगहों पर गठबंधन पंजाब में अकाली दल के साथ करा तो क्या हुआ? हाँ नहीं, अभी तो गठबंधन के आधार पर जो अन्य राज्यों में जो सरकारें हैं, पीडीपी के साथ है, शिवसेना के साथ, शिवसेना के साथ है, अभी उत्तर पूर्व के प्रदेशों, उत्तर जो है उत्तर पूर्वोत्तर राज्यों में, पूर्वोत्तर राज्यों में कई राज्यों में तो इनका जो है ऐसे ऐसे संगठनों से गठबंधन है जिसकी कल्पना भी नहीं किया। तो ये तो देखिए राजनीति, राजनीति में कोई भी दल अपना तो बढ़ाने के लिए अपना जो है गठबंधन की राजनीति करता ठीक, लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का जहां तक सवाल, हाँ, क्योंकि यहां पर माना ही जाता है कि दो दल ही, देखिए वहां पर हुआ कि कहीं के खीर सरकारें बनी, उनका आश्रय भी हमने सबने देखा जी, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में दो दलीय व्यवस्था रही है, बिल्कुल हम उसी पर आ रहे हैं, दो दलीय व्यवस्था है। लेकिन आप ये बताइए जिन क्षेत्रों में बहुजन समाज पार्टी का जो प्रभाव है, अगर जिस तरह की व्यवस्था है, मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश में लगभग 35-36 सीटों पर ऐसी स्थिति है कि जहाँ पर हार जीत का कड़ा संघर्ष होता है, और वहाँ पर यदि बसपा कांग्रेस को सपोर्ट करती है, क्योंकि हर पार्टियां जो जहाँ सशक्त होगा उसको सपोर्ट में दूसरी पार्टी आएगी, तो गठबंधन का इसका मतलब ये नहीं है, अरे मोलभाव की बात तो आप कर रहे हैं, हर पार्टी कर रही मोलभाव, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन सवाल इस बात का है कि अगर जिन जिन सीटों पर बसपा का कुछ प्रभाव है, अगर वो कांग्रेस के साथ आती है तो मध्य प्रदेश में जरूर उसके परिणाम कुछ मतलब कांग्रेस के पक्ष, ये क्या कांग्रेस के लिए ठीक होगा? बिल्कुल ठीक होगा कांग्रेस के लिए, हमको तो लगता है कि छोटे दल मध्य प्रदेश, क्या कोई चारा नहीं है कांग्रेस, या आपको कांग्रेस की स्थिति आज देखकर क्या लग रहा है कि उसे गठबंधन करना ही पड़ेगा या करना ही चाहिए? नहीं नहीं, वो तो देखिए वो तो सुविधा के अनुरूप गठबंधन हो रहा है और बहुत सारी छोटी पार्टियां गठबंधन कर रही, जैसे गोरखपुर में छोटी छोटी पार्टियों ने एकजुटता दिखाई, हो सकता है कि मध्य प्रदेश में बसपा भी और गोंडवाना भी कांग्रेस के साथ गठबंधन कर ले, तो ये तो आने वाली परिस्थिति, और 15 साल का जो शासन है, हमको लगता है कि कहीं ना कहीं जिन लोगों को सत्ता से वंचित लोग हैं वो जरूर कोशिश करेंगे कि एक साथ मिलकर चुनाव लड़ें और सत्ता रूप, हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए ये एक है कि 15 साल जहां कांग्रेस सत्ता से बाहर रही फिर नहीं लौटी, ये हो गया एंटी इनकम्बेंसी का भी फायदा, लोगों को थोड़ा सा लग रहा है पिछले पिछले दो चुनाव में नहीं मौका है, ये आखिरी मौका तो कहीं कहीं लग रहा है कि हमारी कोई जगह निश्चित होगी। लेकिन देखिए प्रजापति जी बहुत खतरनाक संकेत है इस तरीके से, एक गुजरात के नतीजों में हमने देखा कि जो मोदी और शाह का गढ़ है ठीक है, वहां मोशा जिनको कहा जा रहा है वहां आप लोग आउट होते होते बचे ठीक है, वहां अगर ये स्थिति है तो मध्य प्रदेश में अगर ये सब एक हो गए, सब विपक्षी आपके खिलाफ हो गए, तो हम क्यों ना माने कि साहब बहुत मुश्किलें होंगी आपके लिए। दीपेश जी आपने पहले कहा कि बसपा के बड़े नेता ने कहा कि अगर अच्छा ऑफर आता है तो अभी ये लोग ऑफर देते देते बहुत थक गए हैं, और देखिए सीटों का भी हो सकता है, नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कौन कह रहा हूँ कि लेन देन का है, आप मतलब समझ गए सब लोग समझता है, नहीं मेरा निवेदन है आप मैंने ऑफर की बात कही, आप लोग दोनों कहने लगे, मैं कह रहा हूँ ऑफर, अब ऑफर काहे का आता है, मैं क्लियर कर रहा हूँ कि उन्होंने सीटों के लिए मोदी नोट लेकर बाहर जाता है ऑफर का, और ऑफर अब आदमी सब कोई जान गया कि ऑफर में अब जनता बिकने वाली नहीं है, बिल्कुल सही कहा, मैं आपको बता रहा हूँ अब ये लोग इनके पास अब कुछ ऑफर के अलावा बचा नहीं है, और दोनों के पास ऑफर के लिए नहीं बचा, और जनता ने ऑफर छोड़ दिया, अब जनता यहाँ दो दली प्रणाली है, मैं बता रहा हूँ जिस दिन ये लोग बसपा से मिल जाएंगे आदमी 100 में 100% यही कहेगा कि ऑफर आ गया, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें देखिए चाहे आप जिसके साथ दल बनाए, प्रजापति बीजेपी की सरकार बनेगी पूर्ण बहुमत से बनेगी, हम लोगों ने जो कमजोरी की है, हम लोगों ने जो आत्मविश्वास से इतना धोखे में रहे वो हम रात दिन अपने सुधार करके जान मेहनत करेंगे, और किसान हेता नहीं नहीं, मैं आपको यही कह रहा हूँ कि ये फिर ऐसा लग रहा है कि ओवर कॉन्फिडेंस में आप लोग कितने ही सब दल एक हो जाएं हम तो अपना जीत जाएंगे। देखिए क्या हुआ यूपी में, आरएसएस के कार्यकर्ता निष्क्रिय हो गए, योगी की जो युवा वाहिनी सेना है वो निष्क्रिय हो गई वहां पर, हिंदू वाहिनी सेना ठीक है, उसके बाद वहां पर अमित शाह नहीं गए एक रैली करने, मोदी जी के चलिए छोड़ दिए लेकिन शाह जा सकते थे उपचुनाव प्रचार नहीं गए, यानी वहां पर इस तरह का माहौल बन गया कि सोच सकते हैं 37% वोटिंग आज के दौर में, जब भी छोटे-छोटे चुनाव 70-80% वोटिंग बात जी, 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 अगर मान लीजिए शाह या मोदी गए होते और तब हार होती तो क्या होता और ज्यादा ये तो स्थिति देखिए, ये तो हार देखी सारे
माननीय श्रीवास्तव साहब, देखिए सुधार अपने में किया जाता है। हाँ बिल्कुल, जहाँ गड़बड़ी होती है हम लोग सुधार, हम तो कह रहे हैं ना, आप सुधार नहीं, हम ये कह रहे हैं अगर कहीं भूल हुई है हमसे तो सुधार किया जाए। जनता ने सबक सिखाया, लेकिन हम लोग काफर वाले आदमी अभी वर्तमान में रहेंगे। प्रजापति जी, वर्तमान में मध्य प्रदेश में किसान दुखी, कर्मचारी जितने भी संगठन है सब दुखी, आम जनता दुखी हो चुकी है। और किसानों के साथ जो मध्य प्रदेश सरकार ने जो किया है वो पूरी जनता जानती है। इस बार कांग्रेस का जीतना तय है और भाजपा पार्टी देश में हम लोग बहुमत से आ रहे हैं। और वो अभी रिवर्स गियर, रिवर्स गियर सुखी नहीं रहने, रिवर्स गियर लग चुका है दुखी रहने। और उसके उत्तर प्रदेश में जो परिणाम आए, उसके पहले मध्य प्रदेश में आए, राजस्थान में आए, तो लगातार जो जनता अभी दुखी होकर जो बीजेपी से दूर हो रही है उनकी हकीकत जान चुकी है। और प्रजापति जी देखिए क्या है कि ये गुजरात चुनाव से लगने लगा है ताकि एक देखिए रिवर्स गियर भी आता है, एक चोटी से सबसे शिखर पर पहुंचने के बाद फिर ढलान ही होती है वहां से, क्योंकि अगर आप ध्रुवीकरण रोकने में नहीं कामयाब हो पाए तो कोई बड़ी, देखिए जहां एक वोट से आपकी नीना वर्मा जीतती है धार में, अगर वो एक वोट बीएसपी को या किसी और के पास चला गया, वो नहीं कटा, तो आप ऐसी कई सीटें हार सकते हैं। गुजरात में भी 150-200-250 सीट वाली वोटों से जीत वाली आपकी कई सीटें हैं, ये आपके लिए खतरनाक संकेत है और समझने वाली स्थितियां हैं। अगर यहाँ पर हमें नहीं पता कि आपको क्या करना है, आप क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे, लेकिन इस गठबंधन को फिर आप अगर हल्के में लेंगे तो शायद ये आपके लिए बड़ा था। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, हम आपसे बता दिया कि क्योंकि खुलकर बाहें फैलाए हुए हैं दोनों। देखिए बसपा के पास तो खोने को कुछ है नहीं और कांग्रेस के लिए पाने का ये आखिरी मौका है और सब कुछ यूं कह रहे कि करो या मरो। सीधी बात प्रजापति, देखिए आपने जो कहा हम इस पर पूरी तैयारी से लगेंगे और मैंने पहले ही बताया है कि ये मध्य प्रदेश के अंदर छत्तीसगढ़ के अंदर दलों का मिलना, अभी तक जितने दल मिले हैं आपने बहुत पहले से देखा होगा, कोई खास फायदा नहीं हुआ है। और जहां तक जैसे आपने कांग्रेस जहां से जीती है, अगर बीएसपी आप बीएसपी जहां से कांग्रेस जीतती है या बीएसपी जीतती है, बीएसपी जहां से जीती वहां कभी कांग्रेस नहीं जीती, कभी भी नहीं जीती जब से, भले बीजेपी जीत जाए। तो आप ये मानिए कि इनके लिए घातक हो सकता है जहां जहां ये बीजेपी, अब वो समय गया है, वो समय आ रहा है, बहुत दिन नहीं भाई, अभी अभी आप देखिए, अभी मैं बता रहा हूँ, जहां आपने सतना का उदाहरण लिखा आपने देखा केवल बीजेपी जीती, कांग्रेस तो कभी वहां से जीती ही नहीं जहां बीएसपी जीत गई। अरे अब जीतेगी, अब जीतेगी। और कांग्रेस ने जो मजबूती अभी जो संगठन बनाया है, और अभी तक हम देखिए नेतृत्व को धन्यवाद देंगे कि जो भी जो संगठन में जो तैयारी चल रही है वो आपको बीजेपी को मात देने का। साहब यूपी में क्या हुआ, आप लोग बड़े शान से अखिलेश बाबू के साथ गए वहां, एक उस समय बहुत कहावत चली कि चौबे जी चले, छब्बे जी बने और दुबे जी बन के लौटे। तो ये कहीं ऐसा ना हो कि मध्य प्रदेश में भी आप जिन सीटों पर बीएसपी को टिकट देंगे वहां का कांग्रेस कार्यकर्ता फिर आपसे हमेशा के लिए कट जाए। यहां भी क्या हुआ, यहां पर कोई गठबंधन नहीं हुआ यूपी में, यहां पर केवल समर्थन दिया गया, ठीक है। और समर्थन का मतलब ये है कि ठीक है बीएसपी वाले या तो वोट नहीं डालेंगे या फिर सपा वाले को डाल करके आए, है ना, क्योंकि बीजेपी का जो वोट प्रतिशत था वो बहुत ज्यादा कह सकते हैं उसमें बहुत ज्यादा अंतर बीजेपी का गिरा है, लेकिन सपा और बसपा का बढ़ा नहीं है, ये आप समझिए इस स्थिति को। अभी तो जहाँ पर कांग्रेस हार रही है सीमावर्ती, तो वो 2,000-3,000-4,000 से आ रही है, और बहुजन समाज पार्टी जो वहां पर वोट लेती है वो 10,000-8,000 या 15,000 लेती है। ये जो अभी वर्तमान में जो गठबंधन अभी जो आवश्यकता है, मैं मानता हूँ ये विचारधारा की लड़ाई है, और अगर इसमें आप कहते हैं कि वहां पर कांग्रेस बिल्कुल सफाया हो जाएगा तो मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं, क्योंकि अभी विचारधाराओं की लड़ाई चल गई है। अभी जो विचारधारा चल रही है उसमें जितनी भी, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, सपा हो, कांग्रेस हो, अन्य गठबंधन हो, क्योंकि 2,000-2,000 से अगर कांग्रेस हार रही है और उसमें गठबंधन होता है तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, कांग्रेस थी और कांग्रेस और मजबूत होगी। ठीक प्रजापति जी, मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, कांग्रेस के डर के कारण बहुजन समाज पार्टी बनी पूरे देश में, और माहौल समाप्त हो गई कांग्रेस। अब पुनः बहुजन समाज पार्टी अपना अस्तित्व बचाने के लिए कांग्रेस से नहीं मिल सकती है, अगर मिलेगी तो भारतीय जनता पार्टी के अलावा
फिर ना तो बसपा आएगी और ना इनकी कांग्रेस आएगी। कांग्रेस का तो कोई नाम ही नहीं लेगा। कांग्रेस तो 125 साल पुरानी है। अब आप देखना आने वाले दिनों में बीजेपी को कितने क्या रिकॉर्ड बनता है। तभी लाठी का 125 बल्डी बुढ़िया फिर वो लाठी का सहारा ढूंढ रही है। लाठी चल नहीं पाती है। 125 साल आपने क्या कहा हमारे साथ अभी मेरी बात के पीछे आप मार्गदर्शक बोल रहे थे आडवाणी जी को गौर साहब को। तो ये 125 साल पुरानी है मार्गदर्शक पार्टी थी और रहेगी और पूरे देश का नेतृत्व पहले भी करा है और आगे भी कर सकता है। वही देश का संचालन है, वही देश का संचालन कर सकते हैं। जो मोदी जी ने किसानों की नोटबंदी करी है, जीएसटी का हाल करा है, पूरा देश जानता है, पूरी जनता नाराज है, इसलिए इनकी हकीकत पता है। तो ये विस्तृत होते रहे, जब भी गठबंधन की बात आएगी तो बीजेपी वालों के खलबली मच जाएगी। डंग साहब, अब ये है कि अगर कर्नाटक में ये फिर जीत गए ना तो फिर आप लोगों के पास जवाब नहीं रहेगा कुछ। कहीं नहीं जीत रहे हैं ये जैसे दो महीने जाते हैं सैनिकों के बीच में जाते हैं तो मेरी इच्छा थी सैनिक बनने की। साधुओं के जाते हैं तो मेरी बहुत इच्छा थी साधु बनने। ये कला है। अगर कहीं वो डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो मेरी बहुत इच्छा थी डॉक्टर बनने की। तो यही तो कला है। मतलब कुल मिलाकर जैसे जाओ ऐसा बोलो और कहीं ना कहीं पब्लिक को गुमराह करके वोट लेने। अब पब्लिक जान चुकी है, ठीक है, इसलिए इनकी बातों में आने वाली नहीं है और इनको घबराहट चालू हो चुकी है। बिल्कुल घबराहट है। खुद जानते हैं ये एक तो प्रजापति जी ये बताइए कि आप बार बार कह रहे डंग साहब हमारे साथ आ रही है हमारे साथ आ रही है, निकाले हम बिल्कुल 100% डंग साहब कोई ऑफर है क्या आपके? मेरा निवेदन इसलिए ऑफर है ये ऑफर तो ये ऑफर आपने दिया जी मास्टर आदमी ऑफर देने में। मेरे डंग साहब मेरे बड़े मित्र हैं, बहुत अच्छे संघर्षशील हैं और वो इतनी भूल नहीं करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ जब मछली जो होती है पानी पूरा सूख जाता है तो वो फड़फड़ाने लगती है। जैसे आप डंग साहब अभी जैसे आप गठबंधन हिंदुस्तान में कुछ बचा ही नहीं है। गठबंधन का टेंशन है कांग्रेस कांग्रेस की चिंता इनको होती है। कांग्रेस की कैसे बचेगी? अरे कांग्रेस हम लोग तो कांग्रेस मतलब मुक्त भारत चाहते हैं। अरे कांग्रेस ही ना कभी मुक्त थी पूरा भारत ना तो मुक्त कांग्रेस से हो सकता है? कांग्रेस एक शहीदों की पार्टी है। शहीदों की पार्टी थी और शहीद होते रहे। एक मिनट में गंभीर गंभीर श्रीवास्तव जी देखिए क्या हुआ यहाँ पर। गठबंधन उस तरह का नहीं हुआ है कि सीटों, क्योंकि ऐसा होता है कि जब चुनाव आता है फिर जब सीटों की लड़ाई होती है ना तो बड़े से बड़ी दोस्ती यारियां सब टूट जाती हैं और ऐसा हुआ भी है यूपी में और तो तमाम राज्यों में। तो अभी सिर्फ केवल समर्थन दिया था। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर उस तरह का गठबंधन हो सकता है और वो वाकई फायदेमंद होगा या गठबंधन हो भी पाएगा नहीं हो पाएगा? देखिए ये तो राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी प्रजापति जी बोले थे ऑफर, अब ऑफर तो दोनों तरफ से होता है। कांग्रेस भी दे सकती, भाजपा भी दे सकती, भाजपा भी बड़े बड़े ऑफर दे देती है, भाजपा के पास अभी ऑफर ज्यादा है। तो मेरा ये कहना है, लेकिन सबसे जो खास बात है जो संकेत है दो बातें मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को लेकर के है कि पिछले 15 सालों से सरकार है, एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर है, इस बात को स्वीकार मतलब सत्तारूढ़ दल भी कर रहा और वो उसको लेकर के जब 15 साल से किसी राज्य में सत्ता है तो जो अन्य दल हैं उनके भी लोग जो है सत्ता से बाहर हैं, ऐसी स्थिति में उनका एक दूसरे के प्रति आना लाजमी है। लेकिन बात ऑफर की हो तो फिर राजनीति में तो कोई कहीं भी चला जाता। आपने कभी देखा होगा कितने लोग ऑफर से चले गए? बिल्कुल। अभी अभी आप देख रहे हैं कि मतलब वो तो सपा के नेता गए, उसके पहले कई नेता गए। आप मध्य प्रदेश में देखिए, आप मध्य प्रदेश के वकील कौन है? विधायक पद छोड़ के ऑफर किसको दे रहे हैं? विधायक पद छोड़ करके मंत्री बने तो ऑफर पर ही बने। बड़े बड़े जो उद्योगपति इनके साथ है तो ऑफर कौन देगा? देखिए सवाल सवाल इस बात का है कि जो गठबंधन है या समर्थन भी हो सकता है, हमें लगता है कि हो सकता है अगर गठबंधन न हो तो समर्थन हो सकता है, लेकिन इनके ये जो अन्य दल हैं और जिस तरह का उन्होंने रिजल्ट देखा, एक थोड़ा इनपुट है, कोई फाइनल नहीं है कि इनके इकट्ठा होने से जीत ही जाएंगे, लेकिन एक इनपुट है कि अगर इकट्ठा होते हैं तो कुछ राज्यों में तो स्थिति ऐसी है कि बड़ी साफ वहां पर बीजेपी को बहुत परेशानी होगी, जैसे उत्तर प्रदेश है, बिहार है। इस तरह का जो जाति समीकरण के साथ सोशल जस्टिस का फार्मूला लाके जिसके दम पे कई सालों 15 साल लालू यादव ने राज किया, मायावती ने किया,
आप जो है मुलायम सिंह ने किया, अन्य दलों ने किया, वहां पर पिछले विधानसभा चुनाव में देखे होंगे 2014 में तो कितने कम सीटों पर उत्तर प्रदेश में सिमट के रह गई थी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन जी तो मेरा ये कहना इसमें है कि ये तो समय आने पर पता लगे गठबंधन कितना होगा और क्या रुख होगा। बट इतना जरूर है कि अगर ये लोग मिलते हैं तो निश्चित रूप से एक चुनौती होगी भारतीय जनता पार्टी। प्रजापति जी, दीपेश जी, मित्र धन साहब ने कहा कि इनके आरडी प्रजापति के ऑफर है, तो मैं एक निवेदन इसलिए कर रहा हूँ कि इनकी सीट से जब भी समझौता हो तो बसपा को लड़ना है, और मेरे यहाँ ऑफर है कि हम आपको बीजेपी से लड़ाएंगे। ऑफर तो है हमारे यहाँ, ऑफर आपके यहाँ ऑफर ना है, बहुजन समाज पार्टी के लिए ऑफर है, समाजवादी पार्टी के लिए आपके पास मित्र, आपको भारतीय जनता पार्टी, आपके पास नीरव मोदी है, आपके पास उद्योगपति है, ऑफर आप दे सकते हैं। वो छोड़िए, मैं अगर देखिए सीधी इन्होंने बहुत अच्छी बात पूछी है कि भाई अगर मान लीजिए कल को कहा जाए कि सुवासरा से साहब बसपा को हम टिकट दे रहे हैं तो क्या डंग साहब अपनी सीट छोड़ पाएंगे? नहीं, ये सवाल ये इतना देखो, तो पार्टी कौन अपनी सीट छोड़ना चाहेगा? पार्टी कांग्रेस की होगा जो कांग्रेस 1000 जहां पर बीजेपी बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ती है, चुनाव लड़ती है और जहां पर 2-3 हजार वोटों से जीतती है, बीजेपी जीत जाती है, और अगर अगर बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस गठबंधन में हो रहा है तो प्रजापति जी को पता है कि नहीं हिल चुकी है, तो इसलिए गठबंधन के ऊपर ये विचलित हो रहे हैं। और ये उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुए हैं, एक अभी प्रारंभ है, स्टार्टिंग है, आगे देखो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ मोटा मतलब तो हो रहा हूँ, लेकिन आपके लिए आपकी सीट नहीं, आप अपना देश रखना है, श्रीवास्तव जी का ग्लास दार खोले हैं, वो तो आप देखोगे कि आगे होता है क्या। ठीक, देखिए आप छत्तीसगढ़ में देखिए पिछला विधानसभा चुनाव देखिए, बहुत कम मार्जिन है, बिल्कुल मात्र 1.5% का मार्जिन। अगर ऐसा कोई गठबंधन माली बसपा के साथ वहाँ होता है, वहाँ 6-7 मंत्री हार गए थे, बताइए वही तो आप उनके किसी जगह कई जगहों पर देखा होगा, कहीं 5,000, कहीं 2,000, कहीं 1,000 से आ रहे, जबकि वहाँ बसपा या नोटा में बहुत ज्यादा वोट पड़े। बिल्कुल, मैंने पिछली बार देखा कि नोटा तीसरे नंबर की पार्टी हो गई। तो मेरा ये कहना है कि इन जगहों पर अगर कोई सपोर्ट होता है तो छत्तीसगढ़ में तो बड़ा अलार्मिंग है। मध्य प्रदेश की जहां तक स्थिति है, अगर मध्य प्रदेश में कुछ क्षेत्र जहां पर बसपा का जनाधार है, ठीक है, और वो बहुल है, लगभग 35 या 40 सीटें ऐसी हैं जहां पर कि ये हार जीत हो सकती है, तो अगर इतना भी अगर हो जाता है तो एक मैसेज तो जाएगा, और दूसरी बात ये कि उतना कवर रिकवर कैसे करेगी पार्टी। तो ये है कि अब देखना है कि अगले चुनाव में किस तरह का ध्रुवीकरण होता है। उसके पहले कर्नाटक में शायद और तस्वीर साफ हो जाएगी, कांग्रेस जेडीएस एक बार फिर लड़ते हैं और वहां पर अगर कुछ बीजेपी को रोक पाते हैं वहां से बहुत कुछ साफ। अगर मानी जो कांग्रेस रोक पाती है या अपने को रिटेन करती है तो बड़ा मजबूत इनका। बहुत शुक्रिया प्रजापति जी आपका, डंग साहब आपका, हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए श्रीवास्तव जी आपका शुक्रिया। तो बहस से इतना साफ है कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को सत्ता में वापसी के लिए गठबंधन के सहारे की जरूरत है, और राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो कांग्रेस ऐसी पार्टी जिसका देश के हर कोने में अपना थोड़ा ही सही लेकिन सॉलिड वोट बैंक है। आज और इस दुर्गति के लिए शायद खुद कांग्रेस ही जिम्मेदार है, जिसके नेताओं का अहम पार्टी के सत्तासीन होने की राह में सबसे बड़ा रोड़ा, और ये रोड़ा पार्टी के लिए लाइलाज हो चुका है। बीजेपी के लिए गोरखपुर और फूलपुर और बिहार के अररिया में मिली हार 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले विधानसभा चुनाव के लिए भी खतरे की घंटी। अब देखना यही है कि बीजेपी इस ध्रुवीकरण को क्या होने देती है, या फिर कांग्रेस, बसपा, सपा, तमाम अन्य विपक्षी पार्टियां इस ध्रुवीकरण को होने से रोक पाती है। बहरहाल आज के लिए इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे नए मुद्दे नए सवालों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं नंबर 1 प्रोग्राम